दोस्तों Realme 2019 में धमाका किया है एक से ऊपर एक स्मार्टफोन लॉन्च करके। बहुत सारे लोग Realme का स्मार्टफोन पसंद भी किया है और बन गया है इंडिया का नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। तो Realme 2020 में कैसे चुप बैठेगा? Realme 2020 में और भी धमाका करेगा और भी अच्छा अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2020 में Realme की तरफ से कौन सा स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Realme की तरफ से जो पहला फोन इंडिया में लॉन्च होगा वो है गाइस Realme 5i। दोस्तों Realme 5i वियतनाम में 6 जनवरी को लॉन्च होगा और इसी मंथ में इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। ये आएगा बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, 5000 एमएच की बैटरी भी हो सकता है और ये आएगा 8000 रुपीस के आसपास। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है गाइस Realme C3। दोस्तों Realme का जो C2 था वो इंडिया में काफी पॉपुलर था, बहुत सारे लोग इसको खरीदा भी। अभी C3 लॉन्च होगा, ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन होगा। बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप वगैरह देखने को मिल जाएगा, 5000 एमएच की बैटरी भी हो सकता है और तो और दोस्तों यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, ऐसा लीक्स एंड रूमर्स आ रहा है। दोस्तों ये इंडिया में आएगा जनवरी या फेब्रुअरी मंथ में इंडिया में आ जाएगा और ये भी काफी पॉपुलर रहने वाला है। तीसरा जो स्मार्टफोन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, ए सीरीज इंडिया में काफी पॉपुलर होता है। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 6 प्रो का। काफी अच्छा स्मार्टफोन होगा, ए आएगा बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, ऐसा लीक्स आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको 6000 एमएच की बैटरी देखने को मिल सकता है, फास्ट चार्जिंग तो मिलेगा ही और टाइप सी भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि Realme 5 Pro में टाइप सी नहीं मिला था, यहाँ पे टाइप सी मिलेगा और ये आएगा 15000 के आसपास। दोस्तों ये बहुत ही जल्दी आ जाएगा, पंच होल डिस्प्ले या दोस्तों ओ कट इन डिस्प्ले कैमरा के साथ आ सकता है जो कि कुछ पिक्चर लीक्सों के बाहर आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये भी काफी पॉपुलर होने वाला है और ये मार्च के अंदर इंडिया में आ जाएगा। चौथा जो स्मार्टफोन है वह गाइस Realme 6। दोस्तों ये 10000 रुपीस के आसपास आएगा, ऐसा लीक्स आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 712 चिपसेट देखने को मिल सकता है और तो और यहाँ पे भी 6000 एमएच की बैटरी हो सकता है, बस यहाँ पे टाइप सी दे दे क्योंकि 10000 रुपीस के अंदर किसी भी स्मार्टफोन में Realme टाइप सी नहीं देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे टाइप सी देगा और ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में आएगा 10000 रुपीस के अंदर। पांचवा जो स्मार्टफोन है वह गाइस Realme U2। दोस्तों Realme का जो U1 था वो काफी पॉपुलर था सेल्फी के लिए, जिस प्राइस में जब लॉन्च हुआ था तभी तहलका मचा रखा था ये स्मार्टफोन। अभी इसका सक्सेसर Realme U2 बहुत ही जल्दी इंडिया में आएगा, वो भी सेल्फी कैमरा के साथ। ये सेल्फी सेंट्रिक फोन होगा तो काफी अच्छा रहने वाला है, बहुत सारे भाई लोग इसके लिए बहुत दिन से रुके हैं। तो मुझे लगता है 4-5 महीने के अंदर Realme इंडिया में लॉन्च कर देगा Realme U2 को। छठे जो स्मार्टफोन है वही गाइस Realme X Pro या XT Pro वगैरह देखने को मिल सकता है जो कि Realme X पॉपअप कैमरा के साथ लॉन्च किया था। इसका सक्सेसर भी इंडिया में आ सकता है 2020 में, आ सकता है नहीं जरूर आएगा और दोस्तों ये 730G के ऊपर ही आएगा मुझे ऐसा लगता है और ये लगभग 16,000 या 17,000 रुपीस के आसपास आएगा। लेकिन दोस्तों ये आने में थोड़ा लेट होगा क्योंकि अभी अभी इसी प्राइस के आसपास Realme X2 लॉन्च किया है, तो Realme X2 Pro या XT Pro कुछ देर बाद आएगा, यानी कि 6-7 महीने के अंदर आ जाएगा। सातवां जो स्मार्टफोन है वह गाइस Realme X50। दोस्तों ये चाइना में जा रहा है 7 जनवरी को 5G के साथ, लेकिन इंडिया में 5G नहीं आएगा, 4G का एक वेरिएंट आ जाएगा और ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है, फ्लेक्सिबल लेवल का ये स्मार्टफोन होगा, तो जब आएगा तब देखेंगे। अभी लास्ट जो स्मार्टफोन है वह गाइस Realme 7 सीरीज। दोस्तों Realme को आप देखोगे तो साल में ये जो 6, 3, 5 ये साल में 2 स्मार्टफोन यानी कि एक सीरीज को साल में 2 बार लॉन्च करता है। तो जो 6 सीरीज है वो मार्च के अंदर लॉन्च कर देगा और उसके ठीक 6 महीने बाद उसका Realme 7 सीरीज भी आ सकता है।
लेकिन एक कौन सा स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो 2020 में आ जाएगा। और ये था कुछ रियलमी का अपकमिंग स्मार्टफोन। दोस्तों इसको छोड़ के और भी बहुत सारे स्मार्टफोन रियलमी का इंडिया में आ सकता है, अभी कोई लीक्स एंड रूमर्स नहीं है, तो जब आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके जरूर बताना और उसके साथ कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।